नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल में VLOOKUP। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम सेम शीट से VLOOKUP यहाँ पे किस तरीके से लगा सकते हैं। हमने इस शीट में से यहाँ पे टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेच किया था। आज हम सीखेंगे कि हम किसी दूसरी शीट से वैल्यू किस तरीके से फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं थर्ड शीट पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट शीट से फेच हो, तो हम थर्ड शीट पे VLOOKUP किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं नेम, और यहाँ पे टोटल चाहिए, और यहाँ पे हमको परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेच करना है। इसका थोड़ा फॉन्ट तो फ्रेंड्स, अब टास्क ये है कि यहाँ पे हम जिसका नाम लिखेंगे इस शीट में से, शीट वन में से, उसका रिजल्ट हमारे पास में फैच होके थर्ड शीट पे आ जाए। तो इसके लिए हम टोटल में VLOOKUP लगाएंगे इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे जिसका नाम लिखा जाएगा। तो हमने O5 सेल को सेलेक्ट किया कॉमा, पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए, रेंज देने के लिए हम फर्स्ट शीट पे क्लिक करेंगे और पूरी शीट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहीं पे हम फॉर्मूला बार पे क्लिक करके कॉमा, टोटल हमको फेच करना है, तो टोटल का कॉलम नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहां पे हम दे देंगे 5 नंबर, और एक्यूरेट वैल्यू के लिए दे देंगे 0। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पे हम नाम लिखते हैं शीट वन में से। हमने लिखा सपोज ज़ेरा, तो ज़ेरा के 238 मार्क्स चेक कर लेते हैं, ज़ेरा के 238 मार्क्स। या हम चेक करते हैं एना, शीट थर्ड पे आए, और यहां पे हमने दिखा, यहां पे टाइप करेंगे एना, एना के 226, एना हमारे पास में 226 आ रहा है। एक हम चेक करते हैं जैक के, यहां पे हम लगाते हैं जैक, तो जैक के आ गए 231 मार्क्स, जैक 231 मार्क्स। फ्रेंड्स, एक और लुकअप लगाते हैं हम यहां पे कि हमको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी चाहिए इसका। तो परसेंटेज के लिए VLOOKUP सेम इसी तरीके से लगाएंगे इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है हमको O5 की कॉमा, एरे के लिए हम आ जाएंगे शीट वन पे और पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, और परसेंटेज का कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहां पे लगा देंगे हम कॉमा 6 और कॉमा 0 एक्यूरेट वैल्यू के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो जैक के आ गए 219 और 73%, जैक के 219 और 73%। एक और चेक कर लेते हैं ममता, तो ममता के 161 और 53%, ममता के 161 और 53%। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने सीखा कि हम किसी दूसरी शीट से किस तरीके से VLOOKUP लगा के वैल्यू फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि हम किसी दूसरी वर्कबुक से किस तरीके से वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं नए तरीके से VLOOKUP लगाना।